मुस्लिम बट आई डोंट फॉलो इस्लाम, व्हाट नॉनसेंस, कोई लॉजिक वाली बातें किया करो यार चूतियों। वो धर्म के अगेंस्ट है, और उसके बाद आप अगर देखें कि पब्लिक प्लेसेस भी नंगी घूम रही हैं, और बहुत शर्म आती है जब लोग कहते हैं कि एक नंगी लड़की मुसलमान लड़की नंगी। वैसे भी अगर आप देखें तो काफ़ी इंटरव्यूज़ में उर्फी जावेद ऑलरेडी कह चुकी हैं कि मैं अपने आप को मुस्लिम मानती नहीं हूँ, या मुझे उससे मुस्लिम धर्म से कोई लेना देना है नहीं। तो मेरी उनसे बस गुजारिश है कि अपना नाम इमीडिएटली वो बदलें। तो उर्फी नाम मुस्लिम लेम तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? आयशा नाम मुस्लिम है बट एवरी वन कैन, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि उबैद नाम जो है, आयशा नाम जो है, वो सिर्फ मुस्लिम रख सकते हैं, नहीं तो आपको जेल भेज दिया जाएगा? मैं आई एम अ मुस्लिम बट आई डोंट फॉलो इस्लाम। वो होती कौन है ये बोलने वाली, आप बताइए मुझे, उर्फी जावेद होती कौन है बोलने वाली? अब फैजान अंसारी उनके अगेंस्ट खड़ा है, अगर उनकी में हिम्मत है तो मुझको जवाब दें, लीगल एक्शन करें। जो one file, one ये खाली इंसान है कौन? ये कितना खाली इंसान? क्लास माने, मैं प्रोफेशनल से टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। आपने कहा था कि हर रिलीजन में लिखा है, कि हर बुक में लिखा है कि भगवान एक है, खुदा एक है, तो मैं ये कहना चाहता था कि इस्लाम को क्यों फॉलो करना चाहिए? माशाल्लाह भाई साहब ने बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा, अहम सवाल, कि अगर हर मजहब हर धर्म की किताब में लिखा है कि भगवान एक है तो मुझे इस्लाम ही क्यों फॉलो करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। अगर हिंदुइज्म में लिखा भगवान एक है, क्रिश्चियनिटी में लिखा भगवान एक है, इस्लाम में लिखा भगवान एक है, तो मुझे इस्लाम ही क्यों फॉलो करना चाहिए? मैं हिंदू ही रहूँगा, मैं ईसाई रहूँगा। बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने तकरीर की थी चंद साल पहले 1993 में इसी कैंपस में, कुरान एंड मॉडर्न साइंस, कुरान और जदीद साइंस, और उसके ज़रिए मैंने ये साबित किया कि कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। अगर आप इस साइंस से दूसरे मज़हब की किताबों को जांचते हैं तो बाकी मज़हब की किताब इस साइंस के टेस्ट पे नहीं उतरते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने कई किताबें नाजिल की है, अल्लाह सुबहाना व ताला ने कई किताबें नाजिल की, नाम से सिर्फ चार का जिक्र है कुरान मजीद में, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की थी, ज़बूर वो वही है, वो किताब है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी, इंजील वो किताब है जो ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट, पीस बी अपॉन पे नाजिल की गई थी, और कुरान मजीद आखिरी किताब है जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई थी। लेकिन कुरान मजीद में ये भी लिखा है सूरह रौद में, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, कुल अजलिन किताब, और हर दौर में हमने किताब नाजिल की है। अन्य अल्लाह ताला ने बहुत सी किताबें नाजिल की है, सिर्फ चार का जिक्र है, लेकिन जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल हुई थी वो सिर्फ एक ग्रोह के लिए नाजिल की गई थी और एक वक्त के लिए नाजिल की गई थी। जिस तरीके से बाइबल में लिखा है, गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स 24, गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 एंड 6, के ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे, तो इंजील सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। उसी तरीके से जितने भी किताबें, जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले या कुरान के पहले नाजिल की गई किताब, वो सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए थे और एक ग्रोह के लिए था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है अल्लाह सुबहाना ताला की, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। कुरान मजीद में लिखा है सूरह इब्राहिम में, सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52 में, 52 में, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1 में, सूरह अज़ुमर सूरह नंबर 39 वर्स नंबर 41 में, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में, कि कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए नाजिल किया गया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सारी इंसानियत के लिए, सारे आलम के लिए और सारे जहां के लिए। तो ये कहना है कि जितने भी किताबें पहले आई, अल्लाह का पैगाम एक ही था, अल्लाह एक है, अल्लाह के पैगंबर अनेक थे लेकिन उनका अहम पैगाम एक ही था कि अल्लाह एक है और हम उसी की इबादत करें। लेकिन वक्त जाने के वजह से जितने भी पहले किताबें नाजिल की गई थी, वो वक्त वक्त उनमें मिलावट आने लगी
और आप कोई भी स्कॉलर से पूछो, चाहे बिब्लिकल स्कॉलर पूछो, क्रिश्चियन स्कॉलर से पूछो, देर आर सो मेनी इंटरपोलेशन इन द बाइबल, बाइबल में मिलावट है। अगर आप वेद के स्कॉलर से पूछेंगे वो कहेंगे वेद में मिलावट है। तो जितने भी किताबें पहले नाजिल की गई थी उनमें मिलावट है, जितने पैगंबर भेजे गए थे उनका पैगाम बदल चुका है। लेकिन एक अहम बात है कि ये किताब के अंदर मिलावट आने के बावजूद फिर भी हर मजहबी किताब में तौहीद है, हर मजहबी किताब में लिखा है कि भगवान एक है। तो मैं कहता हूं गैर मुसलमान से और मुस्लिम से भी कि आप मान लो कि एक किताब 100% खुदा की किताब है। कोई भी शख्स, कोई भी इंसान जो खुदा में मानता है उसे कोई भी एतराज नहीं होगा मानने के लिए कि एक किताब 100% खुदा की किताब है। हिंदू कहेगा वे 100% खुदा की है, क्रिश्चियन कहेगा बाइबल 100% खुदा की है, मुसलमान कहेगा कुरान 100% खुदा का है, नो प्रॉब्लम। तो मैं कहता हूं जो भी चीज ये मजहब की किताबों में यकता है वो चीज पे हम अमल करें। और जब हम तहकीक करते हैं यकसानियत मिलती है कि खुदा एक है, दूसरी यकसानियत मिलती है कि सब किताबों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है बुक ऑफ डिट्रोनमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 में, बुक ऑफ डिट्रोनमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19 में, सॉन्ग ऑफ सॉलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 में, इन द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12। ये ओल्ड टेस्टमेंट है। न्यू टेस्टमेंट पढ़ेंगे लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12-14। मैं कह सकता हूँ कितने हवाले बाइबल में जिसमें लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उसी तरीके से हम जब हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करते हैं उसमें लिखा है भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5-8 तक, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 10-27 इसमें लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 31, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 55। आप अगर पढ़ेंगे कुंटप सुक्ता अथर्वावेद बुक नंबर 20 हिम नंबर 127 वर्स नंबर 114 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। और मैं 100 से ज्यादा हवाले दे सकता हूँ सिर्फ हिंदू मजहब की किताबों में जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आप अगर कल्कि पुराना पढ़ेंगे उसमें लिखा है कल्कि अवतार आखिरी पैगंबर उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी माँ का नाम लिखा है सुमति, सुमति की मानी अमन, अरबी में ट्रांसलेट करेंगे आमेना जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम था। उसमें लिखा है कि इस कल्कि अवतार के वालिद का नाम है विष्णु व्यास, विष्णु व्यास मीन्स खुदा का बंदा, ट्रांसलेट करेंगे अरबी में अब्दुल्ला, वो था नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद का। लिखा गया है कि वो पैदा होंगे ऐसे शहर में जिसका नाम है अमन जो मक्का है, वो पैदा होंगे उस ग्रह में जो चीफ होंगे मक्का के, और आप जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में पैदा हुए थे। उसमें लिखा है कि ये कल्कि अवतार आखिरी पैगंबर होंगे, इसमें लिखा है कि ये कल्कि अवतार सारी इंसानियत के लाएंगे, इसमें लिखा है कि ये कल्कि अवतार के चार करीब दोस्त होंगे, चार खुलफा राशिदीन हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, मेल्ला बी पीस वेदमॉल। इस तरीके से डिटेल लिखा है कि वो 12वीं तारीख माधव में पैदा होंगे जो 12वीं रबी अव्वल है, उनको बशारत होंगी, सबसे पहली बशारत होंगी एक गार में, एक केव में, वो है गारे हीरा, और वो बाद में माइग्रेट करेंगे नॉर्थवर्ड और वापस आएंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जाते मदीना नॉर्थवर्ड वापस आते। आप अगर सच्चे हिंदू है और अपने हिंदू धर्म की किताबों में अमल करना चाहते हैं, मैंने इतने हवाले दिया, तो आप मानते हैं कि खुदा एक है, आप मानते हैं कि नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। हाँ, आप मानते हैं कि अल्लाह एक है, खुदा एक है? हाँ मानता हूँ। मानते हैं कि नहीं? हाँ मानता हूँ। मानते हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ सर, आपने कहा आप कि कल्कि अवतार आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नहीं? सर मैं अभी पढ़ूंगा। बिल्कुल सही, आप पढ़ के अगर मुतमईन होंगे तो फिर मानेंगे क्या? नहीं हाँ मानेगा। कितना वक्त चाहिए आपको? एक दिन चाहिए तो कल पढ़ सकते, दो दिन चाहिए तो परसों पढ़ सकते। एक दो दिन, दो दिन, दो दिन। अच्छा, परसों में आपका इंतजार करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है सर।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस्लामिक नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।